Hello everyone, in last lecture we saw that about web pages, hyperlinks, HTML and also we create simple HTML document and saw some basic tags that is a heading H1, paragraph tag, pre-formatted, underline, italic, right? Now today we see some another formatting tags that is small, big, superscript, subscript, acronym, definition, define and quote, right? Let's see that with example. Open okay, now we create simple application file HTML opening, closing HTML, give title in head tag, title over, right? Description in body tag, opening and closing body, in between we write some, give heading align is a attribute of heading. If you want center you can write center, left then you can write left, if you want right then you can write right. Okay, H1 HTML H1 over, write some description about it in BTEC. HTML is one kind of markup language. It is used for create web pages, right? And BTEC. Okay. And with BTEC. Now, small and BTEC. Small here I write. Take one word for small, ending small, and this for big, write big, ending with big. Okay, now save this file, select your location, give the name, give extension. You must have to write extension.html, filename.html, right? Save. Now see the output. जहाँ पे program save किया है वहाँ पे जाएंगे and open. Here center. देखो ये काइंड स्मॉल टैग में लिखा तो छोटा हो गया, मार्क बिग टैग में लिखा तो थोड़ा बड़ा हुआ, राइट? नाउ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर एग्जांपल आपको 10th स्टैंडर्ड लिखना हो तो 10th स्टैंडर्ड, राइट? इसमें आपको TH छोटा चाहिए, मतलब जो मेन कंटेंट है उसे हाफ अबव होगा और छोटा आएगा इन सुपरस्क्रिप्ट, राइट? तो ओपनिंग एंड ending,
और सबस्क्रिप्ट भी देख लेते हैं. सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू राइट सम इक्वेशन, फॉर एग्जांपल H2O, राइट, H2SO4, देन BTEC H2O लिखा, राइट, जिसमें आपको टू छोटा चाहिए. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सब एंडिंग विथ सब, राइट. आउटपुट देखते हैं, टेंथ TH जो मेन है वर्ड कैरेक्टर उससे छोटा और हाफ अबव और ये हाफ बिलो H2O, राइट. दैट इज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड हियर इज द सबस्क्रिप्ट. एक्रोनिम डेफिनेशन और कोड देख लेते हैं. एक्रोनिम इज लाइक एब्रीवेशन. अगर ये HTML का हमें फुल फॉर्म दिखाना है तो एक्रोनिम में हम दिखा सकते हैं टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स में लिख देंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट, और ये ऊपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे एक्रोनिम ओवर, राइट. नाउ ये पूरा जो HTML का हमने लिखा है वो डबल कोट्स में चाहिए अगर, तो यहाँ पे हम कोटेशन क्यू टैग डाल देंगे और पी एंड के आगे क्यू एंड, राइट. और डेफिनेशन अगर हमें ऐसा दिखाना है कि ये HTML की डेफिनेशन है तो यहाँ पे हम DFN define tag डाल देंगे और end with define DFN, right? सेव कर लेते हैं. Now see the output. First you have to refresh the page. देखो पहले तो ये double quotes में आ गया, that is quotation. ये HTML italic जैसा दिख रहा है, मतलब उसको define कर रहा है कि HTML की definition. और एक्रोनिम मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका जो हमने फुल फॉर्म लिखा है वो उसको एब्रिवेट कर, राइट. तो ये सारे फॉर्मेटिंग टैग्स है जो हमने देखे. नाउ नेक्स्ट एंकर टैग. एंकर टैग इज अ हाइपरलिंक इज क्रिएट यूजिंग ए टैग, राइट. प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे PTEC में A HREF हाइपर रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है. तो हमने कल जो फाइल क्रिएट की थी फर्स्ट पेज डॉट HTML उसको लिख देंगे यहाँ पे क्लिक टू नो मोर ए एंड और PTEC ओवर, राइट. जिसको हम ओपन करते हैं उसको हमें क्लोज करना होता है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट. तो ये हो गया, सेव कर देते हैं. सीधा आउटपुट रिफ्रेश आ गया, ये हाइपरलिंक बन गई जैसे हमने वेब पेजेस पे देखी थी HTML फ्लावर्स की, जैसे ब्यूटीफुल इमेजेस सर्च किया था तो सारी इमेजेस की हाइपरलिंक आ गई थी, राइट. सेम वे यहाँ पे हमने भी एक हाइपरलिंक क्रिएट की है, ये दूसरे पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए, राइट. दैट इज एंकर टैग. नाउ यहां पे भी दिखाया हुआ है एट्रीब्यूट्स टू द टैग्स. नाउ एट्रीब्यूट कौन कौन से है, तो अलाइन एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी देख लिया है, दैट इज राइट सेंटर. जैसे मैंने बोला था PTEC H1 में भी हमने डाल के देखा था सेंटर राइट, लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट लिख सकते हो. नाउ वर्किंग विथ अदर एडिटर, दैट इज द SCITE, दैट इज द साइंटिला टेक्स्ट एडिटर. इसका फुल फॉर्म है साइंटिला टेक्स्ट एडिटर. इजीली हमें मिल जाता है इंटरनेट पे, राइट. यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी फाइल क्रिएट की है उसको हम ओपन करके देखेंगे, ओपन विथ
scintillate text editor, right? जो हमने कोडिंग ऑलरेडी की थी उसको हमने साइंटिला टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया है। अब इसे रन कैसे करेंगे, तो टूल्स में जाके गो आ गया, ये जो हमने भी रन किया, राइट, ये साइंटिला टेक्स्ट एडिटर है, इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं। ये स्टेप्स दिखाए हैं हाउ टू ओपन और कोड इन साइंटिला टेक्स्ट एडिटर, ओपन विथ करके जैसे हमने अभी देखा। ये जो सारे हमने ऑलरेडी देख लिए है वही टैग है, AHRF, बी बोल्ड बॉडी, ये सारे टैग हमने देख लिए है, ये आपको अपनी बुक में राइट करना है, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, राइट, थैंक यू।